नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिमला मंडी हमीरपुर कांगड़ा रूट पर आवाजाही कर रहे लोग, लेकिन रास्ते को कर दिया बंद क्योंकि यहां भयंकर से अति भयंकर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शिमला मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर घंडल के पास बने लोहे के ब्रिज के नीचे से भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण पुल पर यातायात एक तरफ चला जा रहा है, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया। वहीं दोस्तों, शिमला पुलिस ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। शिमला से अर्की, सालाघाट, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी की ओर जाने वाले वाहन घंडल के पास बने लोहे के ब्रिज से ही गुजरेंगे, जबकि अर्की, सालाघाट, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी से शिमला की ओर आने वाले वाहन बंगोरा, कालीहट्टी, नालहट्टी, हरिदेवी, घनाहट्टी सड़क का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 0 पर ठियोग बिजली विभाग कार्यालय व अस्पताल के मध्य बने लोहे के पुल को एहतियात तौर पर हर प्रकार के लोड ट्रकों के लिए बंद कर दिया है। अन्य वाहनों के लिए दोस्तों पुल खुला रहेगा। मौसम सामान्य होने के बाद पुल को दोबारा खोल दिया जाएगा। नारकंडा से ननखड़ी सड़क मार्ग बथनाल के समीप भूस्खलन के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध है। शिमला रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में नारकंडा के समीप पेड़ गिरने से यातायात एक तरफ से चल रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां भयंकर से अति भयंकर तबे मच रही है। तवी मोड़ पर टूटू के बीच में भयंकर भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। यहां भी दोस्तों सड़क पर मलबा गिरा है, जिसके चलते इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। बता दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश के अंदर 700 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनमें ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर भी 287 सड़कें बंद हैं। यहां जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा भयंकर से अति भयंकर तबाही दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। यहां दोस्तों जगह जगह बादल फटने जैसी घटना सामने आ रही है। आप सभी से विनती है कि ऊंचाई वाले स्थान पर ना जाएं, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।